झारखंड राज्य की स्थापना के 17वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, केंद्र में अनुसूचित जनजाति मामलों के राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत जी, केंद्र में नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी, ग्रामीण विकास मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद विधायक, अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, जोहार झारखंड। भाई बहन अपना सबके जोहार। राष्ट्रपति के रूप में झारखंड की अपनी पहली यात्रा में मुझे धरती आबा बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर उनकी जयंती के दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने का और झारखंड राज्य के स्थापना दिवस में भाग लेने का सुअवसर मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। राज्य का स्थापना दिवस हो अर्थात किसी व्यक्ति का जन्म दिवस, ये दोनों ही बहुत उत्सव के त्यौहार होते हैं, उत्सव का दिन होता है। मैं झारखंड के 3,30,00,000 लोगों को राज्य की स्थापना की 17वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई देता हूँ। झारखंड के विकास में नई ऊर्जा और यहाँ उपस्थित लोगों के उत्साह को देखकर झारखंड राज्य की स्थापना का निर्णय लेने वाले दूरदर्शी पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति मैं सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर जनहित में उपयोगी बीपीएल परिवारों के लिए जोहार आजीविका योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, एम्बुलेंस योजना और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की योजनाओं का आरंभ करके मुझे बहुत खुशी हुई। सामान्य जनता के कल्याण तथा राज्य के विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थियों को परिसंपत्तियां देकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, वीर सुदो कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, नीलंबर पीताम्बर जैसे अनेक वीर सपूतों ने अपने त्याग और बलिदान से झारखंड की धरती को सींचा है। इन विभूतियों ने समानता और न्याय पर आधारित समाज के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आज भगवान बिरसा मुंडा की 142वीं जयंती है। केवल 25 वर्ष की आयु में उनकी शहादत हुई थी। हम सभी का फर्ज बनता है कि ऐसे महान सपूत को हमेशा याद रखें और उनके उद्देश्यों को पाने के लिए इस जनजाति बाहुल प्रदेश में आदिवासी भाई बहनों की खुशहाली के लिए अपने प्रयासों को जारी रखें। मुझे ज्ञात हुआ है कि झारखंड सरकार शहीद ग्राम विकास योजना के अंतर्गत झारखंड के वीर शहीदों के गांवों का समग्र विकास कर रही है। यह एक बहुत ही सराहनीय पहल है। झारखंड का क्षेत्र अनेक शूरवीरों और प्रतिभाओं की जन्मभूमि या कर्मभूमि रहा है। 1971 के युद्ध में भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट टिक्का इसी क्षेत्र की विभूति थे। 1928 ओलंपिक में भारत की हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य भी रहे और आज़ादी के बाद आदिवासी समुदाय के हितों की बात उठाने वाले सक्रिय सांसद भी थे। इस क्षेत्र ने हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और पर्वतारोहण आदि खेलों में बहुत से प्रतिभाशाली खिलाड़ी दिए। महेंद्र सिंह धोनी की क्षमता का भी यही विकास हुआ। तीरंदाजी में विश्व में नंबर एक स्थान पर रह चुकी कॉमनवेल्थ खेलों की स्वर्ण पदक विजेता झारखंड की बेटी
दीपिका कुमारी ने राज्य का और पूरे देश का सम्मान बढ़ाया था। झारखंड में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, लेकिन मैंने कुछ ही नामों का उल्लेख किया है। यहाँ के बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि समुचित सुविधाएं मिलने पर वे अनेक खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड और भारत का सम्मान बढ़ा सकते हैं। झारखंड की भूमि प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। देवघर वैद्यनाथ धाम में ज्योतिर्लिंग, दुमका में वासुकीनाथ धाम, गिरडी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोभूमि और रामगढ़ में छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ आदि तीर्थ स्थान झारखंड के को पवित्र भूमि का दर्जा देते हैं। दुमका जिले में 108 टेराकोटा मंदिरों का मलूटी गांव झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर है। इन ऐतिहासिक मंदिरों पर आज डाक टिकट जारी करना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। झारखंड को प्रकृति ने भरपूर वरदान दिए थे। देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है, अतः यहाँ उद्योग और व्यापार की अपार संभावनाएं। इस खनिज संपदा के कारण ही आधुनिक भारत का पहला स्टील प्लांट इसी क्षेत्र में जमशेद जी टाटा ने लगाया था। झारखंड में पर्यटन, उद्योग और कृषि के विकास की प्रचुर संभावना है। यहाँ के लोग स्वभाव से सहज, सरल एवं मेहनत कश हैं। मुझे खुशी है कि झारखंड राज्य अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है। विकास वृद्धि दर के पैमाने पर झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है तथा श्रम सुधारों के क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से लगातार देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमाने पर बहुत नीचे की पायदान पर स्थान पाने वाला झारखंड अब ऊपर के राज्यों में गिना जाता है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित मोमेंटम झारखंड के कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप शुरू हुए उद्योगों की सफलता से राज्य के विकास को और अधिक गति मिल रही है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झारखंड के विकास में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। राज्य के 32,000 गाँवों में उद्यमी सखी मंडल का गठन कर राज्य की 4,80,000 महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये हुनरमंद महिलाएं कपड़ा, कंबल, पर्दे आदि घरेलू उद्यम के माध्यम से आने वाले दिनों में ग्रामीण झारखंड को एक नया रूप देंगी। झारखंड की महिलाएं अब मात्र 1 रुपया शुल्क देकर 50 लाख तक की भूमि या मकान की रजिस्ट्री करा सकती हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी निःशुल्क दिया जा रहा है। ये खुशी की बात है कि इस योजना के तहत 8 लाख महिलाएं अभी तक लाभान्वित हो चुकी हैं। संपूर्ण विकास के लिए महिलाओं और बच्चों के कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण पाना राज्य की प्राथमिकता है। झारखंड में आज से बीपीएल परिवारों के लिए आजीविका पर आधारित 1500 करोड़ की जोहार योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना से आने वाले वर्षों में झारखंड के 2 लाख परिवारों को आजीविका मिल सकेगी। झारखंड सरकार ने सन 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। मुझे आशा है कि इस दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। आज इस अवसर पर स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ भी हुआ है। इससे राज्य के लगभग 80% परिवारों के लाभान्वित होने की संभावना है। राज्य के सभी नागरिकों को मुफ्त आपातकालीन चिकित्सीय वाहन सेवा उपलब्ध कराने की योजना सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का समावेश करने की दिशा में ई विद्यावाहिनी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के दूरगामी लाभ होंगे। झारखंड के कई जिलों में स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में रामकृष्ण मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़ी तादाद में उससे लोग लाभान्वित हुए हैं। मिशन के अनुभवों से स्थानीय कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। मैं एक बार फिर झारखंड के सभी निवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर एक ऐसे राष्ट्र,
एवं राज्य के निर्माण का संकल्प लें, जहां बिरसा मुंडा के सपनों के समाज में सभी लोग बराबरी और खुशहाली का अनुभव कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।